हम बात कर लेते हैं भाषा विकास की। उत्तर जीविता वृद्धि विकास में कई प्रजातियों में संप्रेक्षण की प्रणाली होती है, क्या आप ऐसी प्रजातियों के बारे में जान सकते हैं? यहाँ अपने सदस्य एक दूसरे के साथ संप्रेक्षण करते हैं, साथ ही विधियों के विचार करें जिसके द्वारा वे ऐसा करते हैं। मधुमक्खियों के नृत्य, मधुमक्खियों के खाद्य स्रोत तथा शत्रु को की अनुमानित दिशा दूरी के बारे में बताना। पक्षी विशेष प्रकार के शोर मचाकर ये सूचित करते हैं कि उन्हें किसी विशिष्ट पेड़ या झाड़ी के में है। जब मानव भाषा में ऐसे क्या विशेषता है? इस पर संचार करने के लिए मानव को छोड़कर सभी अन्य प्रजातियां संचार संपूर्ण संचार प्रणाली अंतर्जात है। प्रणाली अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके विपरीत हालांकि मानव शिशु के रूप में भाषा सीखने का वरदान प्राप्त है, वह इसे सीख सकता है। शिशु की भाषा अधिकांशतः परिवेश द्वारा प्रभावित होती। मानव अनगिनत संख्या में मूल वाक्यों का उच्चारण कर सकते हैं। मूल से तात्पर्य है कि ऐसे वाक्य की जो नकल किए गए हैं अंतर्जात नहीं है बल्कि व्यक्ति द्वारा स्वयं उच्चारित किए जाते हैं। किसी अन्य समय या स्थान पर मानव घटनाओं की वस्तु के बारे में बातचीत कर सकता है। अब क्रियाकलाप चार में हमारे हैं, इसमें क्या है, आपको क्या करना है बच्चों, इसमें करना क्या है आपको, अपने पड़ोस के 2 वर्षीय बच्चों के ढूंढे और माता पिता के साथ हों, परस्पर बातचीत करते हुए अवलोकन करें। आप यदि आप कर सकते हैं तो लिखिए उसके प्रत्येक क्या बात कर रहा है, बच्चा क्या बोल रहा है, ध्यान केंद्रित करें, विश्लेषण करें। बच्चा वही दोहरा रहा है जो व्यक्ति कर रहा है, वह स्वयं अपनी सोच कर रहा है, मूल अतः वाक्य बोल रहा है। यदि इसमें अधिक बच्चे, पता लगाइए कि क्या बोलना सीखता है, सुनते हैं क्या है, बच्चे के मूल वाक्य क्या होते हैं, मतलब ये सब चीज़ें अवलोकन करने के बाद ही हमें पता चलता है, ठीक है, कि वास्तव में छोटा बच्चा क्या कह रहा है, वो अपने जो बच्चे वाक्य सुन रहा है वही दोहरा रहा है या नए वाक्य खुद बना रहा है। ये सब चीज़ें सभी बच्चे चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हैं समान अवस्थाओं के क्रम के भाषा के विकास करते हैं। बच्चों द्वारा अपने जीवन में प्रथम वर्ष में जब वे शब्द बोलना समर्थ नहीं होते हैं तो उच्चारित की जाने वाली ध्वनि बोलने से पहले ध्वनियाँ निकाल कहलाती है। इसमें रोना, कूकना, कुल बुलाना शामिल है। बच्चे लगभग प्रथम वर्ष के अंत तक प्रथम शब्द सीखते हैं, इसके पश्चात तो उसमें भाषा की तीव्रता से विकास होता है। किशोर अवस्था तक भाषा में रूप से बोलने लग जाता है। यद्यपि शब्दावली का विकास बाद में ही संपूर्ण जीवन के दौरान होता रहता है। भाषा के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहले दिन से ही बच्चा उसमें अधिक समझ सकता है जितना वह बोलता है। बच्चे को में रचना अभिव्यक्त भाषा से पहले की स्थिति का बोध, ग्रहण क्षमता, भाषा की क्षमता पैदा हो जाती है। भाषा के विकास की अवस्थाएं, रोना बच्चे के संप्रेक्षण का पहला स्वरूप है, यह अंतर्जात और जन्मजात होता है, अर्थात बच्चे का रोना सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। जन्म के प्रथम माह में यह एकमात्र ध्वनि है जो शिशु निकालता है। शिशु को रोना वयस्कों बच्चों के शारीरिक अनुक्रिया उत्पन्न करता है जो उन्हें शिशु की तरफ ध्यान आकर्षित करने के दूर कर सक प्रेरित करता है। बच्चे का रोना अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को सूचित करता है। इसमें शारीरिक स्थितियां, भूख, पीड़ा, बीमारी, बच्चे का रोना अलग अलग प्रकार का होता है। दूसरे माह तक बच्चे कुक करके शुरू कर देते हैं। ध्वनि भी अंतर्जात स्वर किस्म की आवाज़ होती है, आह उ जैसे स्वर शिशु तक निकालते हैं और संतुष्ट होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। जब शिशु की कुक करता है तो माता पिता बोलकर हंसकर उस आवाज़ की नकल कर अनुक्रिया दर्शाते हैं और फिर बच्चे के पुनः कुक करने की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो माता पिता बातचीत कर रहे हों। इस कुक करने की ध्वनि में 8 माह की उल्लेखनीय कमी आ जाती है। 6 माह का होने पर बच्चा तुतलाने लगता है। तुतलाना व्यंजन स्वर का एक संयोजन होता है। दा, मा, पा शिशु के संयोजन को दोहराता है जिससे कि दादा, मामा, मा जैसे ध्वनियाँ निकलता है। तुतलाना मानव भाषा के लिए प्रतीत होता है जैसे सभी मानव भाषाओं में निहित सभी ध्वनियाँ निकालने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार शिशु जर्मन, अफ्रीकी भाषा के प्रयुक्त ध्वनि का उच्चारण कर सकता है चाहे उसमें ध्वनियाँ सुनी हो ना सुनी हो। जहाँ एक बहरा बच्चा जो दूसरे की आवाज़ सुनने में समर्थ नहीं है तुतलाता है। इन 2 तथ्यों का पता चलता है कि तुतलाना अंतर्जात है तथापि धीरे धीरे वह ध्वनियाँ जिन्हें बच्चा अपने परिवेश में नहीं सुनता है भूल जाता है। इससे पता चलता है कि परिवेश भाषा के सीखने की एक महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है, मतलब जिस परिवेश की भाषा है उसने सुनेगा वही वो भाषा है फिर बोलने लगेगा। लगभग पहली वर्षगांठ के आसपास शिशु पहले शब्द का उच्चारण करता है। हमें कैसे पता चलता है कि बच्चे के उच्चारण किया है वह शब्द है जो हम जानते हैं एक शब्द है, क्योंकि उसका प्रयोग निरंतर एक ही तात्पर्य के लिए किया जाता है। पहले शब्द संक्षिप्त होते हैं जिसमें कि दो वर्ण होते हैं, पापा मामा टाटा बाय बाय। 18 माह तक के बच्चा लगभग दो दर्जन शब्द बोलने लगता है, किंतु इस समय तक वह सरल आदेश व कई शब्द समझने लगता है। दो वर्ष की आयु तक बच्चा लगभग 250 शब्द सीख लेता है, उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष उसके सैकड़ों शब्द जुड़ते जाते हैं। दूसरे जन्मदिन पर आसपास के बच्चा दो शब्द वाले वाक्य के स्थान पर शब्द जोड़ना प्रारंभ कर देता है। बच्चे के शुरुआती शब्द लोगों को पशुओं और वस्तु के नाम, संज्ञा क्रियात्मक शब्द बाय बाय तथा अभिव्यक्ति शब्द नमस्ते होते हैं। कई बार बच्चा इन वस्तुओं के कार्यों के लिए शब्द का प्रयोग करता है जिसके आसपास कोई शब्द नहीं होता है। बच्चे एक शब्द या दो शब्द का उच्चारण एक दिलचस्प विशिष्टता के संक्षिप्त शब्द का उन पूर्ण अर्थ में व्यक्त करते हैं जो पूर्ण वाक्य में निहित होते हैं। इस प्रकार जब बच्चा माँ को देखता है या अम्मा मम्मा शब्द का उच्चारण करता है, संदर्भ में आधार पर उसके अर्थ पर यह हो सकता है कि माँ मैं मम्मा के पास जाना चाहता हूँ, मेरी मम्मा वहाँ है, या ऐसी ही कोई अन्य अर्थ। एक या एक दो शब्द वाक्य में जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हैं टेलीग्राफी भाषा कहलाती है। दो से तीन वर्ष के बीच की आयु का बच्चा व्याकरण युक्त भाषा सीख लेता है। वाक्य बनाने कि उसकी क्षमता का विकास विस्तार होने लगता है, उसके ये शब्द शामिल होने लगते हैं। टेलीग्राफी भाषा में विद्यमान नहीं थे क्रिया या उपपद आर्टिकल संयोजन संबंध वाचक शब्द है। चार वर्ष की आयु तक बच्चे की भाषा काफी सुव्यवस्थित हो गई। बच्चे लंबी बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, बारी बारी से बातचीत कर सकते हैं। छः वर्ष की आयु में शब्दावली में 10,000 शब्द शामिल हो जाते हैं। 7 से 10 वर्ष की आयु में समझने शब्दों में अनेक अर्थ चुटकुले आदि आनंद लेने लगते हैं और भाषा से आधारित होता है। अब क्रियाकलाप है, दो वर्ष के बच्चों के साथ साथ बातचीत करिए, उन वाक्यों को नोट करें जो वह बोलता है। क्या वे वाक्यों थे जो पूर्ण वाक्य थे? यदि वे दो शब्द वाले वाक्य थे तो आपसे बच्चों के द्वारा बोली गई भाषा के अर्थ कैसे समझा? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक और भावनात्मक विकास।